करते हैं और वरुण इसलिए वो पैसा चार्ज नहीं करते हैं बिकॉज हमारा मकसद है कि जिन भी कस्टमर्स को जिन भी ब्रांच को हम लोग यहाँ पे लेके आए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उनके बिजनेस में अगर होती है तो जिन इन्वेस्टर्स को हमने ये शॉप्स बेची हुई हैं उनकी उनका जो रेंट है वो हमेशा टाइम पे आने वाला है और वो जो हमारे टेनेंट्स हैं वो हमेशा लंबे समय के लिए यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में स्टे करने वाले हैं बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम होगी, रेंटल कम होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा होगी। अगर यहाँ से वहां तक वरुण आप जूम करें तो ये टोटल 300 मीटर का हमारा ये स्लैब है, अराउंड 1000 फीट का। आई थिंक पूरे नोएडा एक्सटेंशन के अंदर इतना बड़ा फ्लोर प्लेट किसी का है नहीं। 1,20,000 स्क्वायर फीट एरिया यहाँ से वहां तक है और उसके बीच में ये पूरा 50 फीट का कॉरिडोर है। इस तरफ भी शॉप्स और शोरूम्स हैं, इस तरफ हमारे रेस्टोरेंट आएंगे जैसा हमने प्लान किया, इंडियन बेवरेजेस। उस तरफ अगर हम चले हैं, मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूं, बी ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने यस वरुण उस तरफ हम लोग सी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए थे। इस तरफ अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो ये हमारा ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक पे ग्राउंड फ्लोर का काम चल रहा है और ये भी पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर 30 अक्टूबर तक हमारा खत्म होगा और फर्स्ट फ्लोर का काम हम लोग 30 अक्टूबर तक स्टार्ट कर देंगे ए ब्लॉक में। अब इस तरफ मैं आपसे कैमरा घुमाने को बोलूंगा, ये जो आप खाली लैंड देख रहे हैं इस पे हमारा फेज टू के अंदर एक 4-स्टार बिजनेस होटल आ रहा है। अभी फेज टू के अंदर अगर कोई पूछता है कि फेज टू के अंदर क्यों आ रहा है, फेज वन में क्यों नहीं आ रहा, तो मेरा ऐसा मानना है कि होटल की सक्सेस के लिए हमारे आसपास ही इतना बिजनेस होना चाहिए कि बाहर के लोगों पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो इस कैंपस में आईटी का 75% एरिया जब हम कंप्लीट करके डिलीवर कर देंगे और उसको रेंट आउट कर देंगे तो फेज टू के अंदर हमारे होटल को बाहरी लोगों पर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। इसलिए होटल हम लोग फेज टू में लेके आ रहे हैं और तकरीबन 125 स्वीट्स का होटल होगा, एक 4-स्टार बिजनेस होटल होगा। एक यूनिक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको 12,000 14,000 15,000 स्क्वायर फीट एरिया में अपना ऑफिस बनाना होता है बट वो चाहते हैं कि मैं किसी भीड़ का हिस्सा ना बनूं, किसी फ्लोर में ना जाऊं कि फ्लोर में हमने 10,000-12,000 स्क्वायर फीट एरिया ले लिया है। तो ये एसईओज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इंडिपेंडेंट एसईओज इंडिपेंडेंट उन लोगों के लिए है जो नीचे से ऊपर तक अपनी ही बिल्डिंग चाहते हैं। एक एक एसईओ हमारा अराउंड 14,000 स्क्वायर फीट एरिया का है और ये करीब 19 एसईओज हमारे पास में यहां से वहां तक है और इंडिपेंडेंट एसईओज हैं। सबसे अच्छी बात इन एसईओज की आपको बताऊंगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये शायद नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन का पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें इंटरनल ट्रैफिक सर्कुलेशन का प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। एक एक एसईओ के आगे आपकी गाड़ी आएगी, ओनर्स की गाड़ी आएगी, वहां पे उतर के आप इंडिपेंडेंट लिफ्ट है उसमें, इंडिपेंडेंट स्टेयर्स है बिकॉज एसईओ पूरा नीचे से ऊपर तक आपका है 5 फ्लोर्स के अंदर। उतरने के बाद में आप आगे जाके आपका ड्राइवर बेसमेंट में गाड़ी पार्क करेगा, सो आपके ऑफिस तक आपकी गाड़ी